को हम इंटरव्यू बायस कहते हैं इफ वी डिफाइन इंटरव्यू बायस एन इंटरव्यू बायस इज वेन द इंटरव्यूअर सबकॉन्शियसली रिएक्ट इन अ वे दैट इन टर्न इंफ्लुस द पार्टिसिपेंट इन टू गिविंग अ रिस्पॉन्स दैट इज क्यू टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स रिएक्शन जब रिस्पॉन्डेंट से जो रिसर्चर डाटा कलेक्ट कर रहा है एज एन इंटरव्यूअर वो सब कॉन्शियसली जब आ, उसको कुछ गाइड कर दे सब कॉन्शियसली जो इसको इन्फ्लुएंस कर दे जिससे रिस्पॉन्डेंट का जो है एक्चुअल रिस्पॉन्स आने की बजाय वो इन्फ्लुंस होकर जो रिस्पॉन्स आए तो इस इस आ, प्रोसेस को हम जो है इंटरव्यू बायस कहते हैं अगर हम इंटरव्यू बायसनेस की कैटेगरीज देखें तो पहला जो इसमें टाइप ऑफ बायसनेस है वो है एरर्स कमिटेड बाय द रिस्पॉन्डेंट हाँ जैसा कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो कोई चीज़ भूल जाए या वो कोई क्वेश्चन मिसअरस्टेंड कर जाएँ और या वो uh, जो है अपने इंटरव्यूर से झूठ बोलें तो ये वो बायसनेस है जो कि रिस्पोंडेंट कमिट कर रहा है अन इंटेंशनल एरर और इंटरव्यूर स्लॉपीनेस जब इंटरव्यूअर डाटा कलेक्ट कर रहा है रिस्पोंडेंट से तो वो अन इंटेंशनली उससे कोई ऐसी बात हो जाए जिससे जो है वो रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स जो है इन्फ्लेंस हो जाए तो ये भी एक तरह का इंटरव्यू बायस है इसमें जो इश्यूज हो सकते हैं उसमें पहला इशू ये हो सकता है कि आपने जो है कांटेक्ट किया है जो रिस्पोंडेंट वो आपका प्रॉप्रिएट रिस्पॉन्डेंट नहीं है वो गलत रिस्पॉन्डेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा है जो रिस्पोंडेंट से वो आपने ख़ुद एज एन इंटरव्यूअर मिस रीड कर लिया है और क्वेश्चन uh, पूछते वक्त आप कुछ क्वेश्चन ओमिट कर गए हैं या आपने क्वेश्चन uh, को जो है रॉन्ग आर्डर में पूछा है इसके साथ साथ uh, आप जब रिस्पोंडेंट uh, का आंसर रिकॉर्ड कर रहे हैं इन शेप ऑफ अ फिज़िकल नोट्स और इन शेप ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आपने गलत उसको रिकॉर्ड कर लिया है जो कि क्वेश्चन uh, के साथ मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन कुछ था और आंसर कुछ और रिकॉर्ड हो गया इसी तरह uh, एक और बाइसनेस हो सकती है जिसमें इंटेंशनल सबवर्जन बाय द इंटरव्यूअर कि आप पर्पसफुली जो है आप रिस्पोंडेंट uh, uh, को इन्फ्लुएंस करें और उसके आंसर्स को जो है अल्ट्रेट करें और uh, आप कुछ पर्पसफुली जो है रिवर्ड करें क्वेश्चंस को ताकि आपको uh, जो है एक आपका डिज़ायर्ड आंसर मिल जाए फिर आप जो है ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स को चुने जो कि आपको लगता है कि ये मेरे मुताबिक जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगा इन्फ्लुएंस ड्यू टू द इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट आ रिस्पॉन्डेंट्स आंसर जिस तरह के आप एज एन इंटरव्यूअर जो है रिस्पोंडेंट से इन्फ्लुएंस हो जाए बेस्ड ऑन द लिविंग सिचुएशन और एनी अदर सोशल सिचुएशन तो वो भी जो है आपके आ, जो है आंसर को आ, जो है वो, वो ख़राब करेगा द लास्ट बायस इज द फेलियर ऑफ एन इंटरव्यू टू प्रोब और टू प्रो प्रॉपरली यानी आप एज अ इंटरव्यू जब प्रोब कर रहे हैं रिस्पोंडेंट को तो आपकी वो प्रोबिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है आप उसको जो प्रोबिंग के जो आपके सेट पैटर्न्स थे उससे हट के प्रोब कर रहे हैं तो उस वजह से भी जो रिस्पोंडेंट है वो आपको गलत जवाब दे सकता है तो ये हमने इस मेड्यूल में देखा है कि किस तरह से इंटरव्यू बाइसनेस हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग